अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। सर सवाल है अस्सलाम कि वालेकुम। हमारी शादी होकर 14 साल हुआ है, अभी तक माशा औलाद अल्लाह। नहीं है, लेकिन जी हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हमारा लाइफ अच्छा चल रहा है। हम तो 1-2 साल के बाद में ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, लेकिन डॉक्टर्स वो टाइम में बोलते थे कि नेचुरल कंसीव होने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है बोलती है, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट अच्छा मेडिसिन सब दे रहे थे। अभी फिलहाल हम लोग दूसरे डॉक्टर्स के पास जाके करने में, एक डॉक्टर बोले कि ओके हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है बल्कि, दूसरे बताते हैं कि आपको कुछ ऑप्शन नहीं है, अभी तो IVF ही करना पड़ेगा बल्कि, लेकिन IVF का कॉस्ट होता है 1.5 लाख, उतना हमारे जी पास नहीं है, उतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और मेरे शोहर को तो बच्चे वाला तो बहुत बहुत मतलब बहुत प्यार करते हैं वो बच्चों से, ऐसा तो कि जी कभी कभार बहुत टेंशन होता है, ऐसा लगता है कि क्या हमारे नसीब में औलाद है या नहीं, या तो ट्रीटमेंट करने से होगा या नहीं, इस तरह का डिस्टर्बेंस होता है माइंड सर। बोलिए जी शेख, सवाल क्या है बहन का? अभी क्या डिसीजन लेना बोल के, यानी क्या IVF करने डिसीजन के लेना कि लिए, आईवीएफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो पूछ रही हैं शेख। लेकिन उसका तो कॉस्ट बहुत है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि औलाद ना होना किसी को, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, और कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत वाज़ेह तौर से बता दिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहता है लड़का लड़की दोनों देता है, जिसको चाहता है सिर्फ लड़का देता है, जिसको चाहता है सिर्फ लड़की देता है, जिसको चाहता है कुछ भी नहीं देता है। ये अल्लाह ताला की तकसीम है। तो जी सबसे पहली बात तो ऐसे लोगों को मेरी नसीहत ये होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कजा और कद्र पर रजामंदी का इजहार करना, राजी रहना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले पर नाराजगी का इजहार ना करना। ये अल्लाह का फैसला है, मुझे तस्लीम है। बाकी जो औलाद होने के लिए दुनियावी असबाब हैं वो हम इख्तियार करेंगे, क्योंकि उनके अख्तियार करने का हुक्म भी अल्लाह ने ही हमें दिया है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकसीम और उसके कजा और कदर पर हमें कोई एतराज नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, हम उस पर राजी हैं। अगर कोई इंसान, किसी इंसान के अंदर ये जज्बा है तो इंशाअल्लाह इस पर उसे अज्र मिलेगा। ये बहुत सब्र करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कजा और कदर पर राजी रहना, ये बहुत बहुत नेकी का काम है, मतलब ये इबादत का बहुत आला दर्जा है। दूसरी जी बात, सवाल जो आपका है कि अगर डॉक्टरों ने कह दिया है कि इसका सिर्फ एक रास्ता है, शायद आप टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सवाल है आपका, जी हाँ टेस्ट जी सर टेस्ट टेस्ट हाँ ट्यूब वही बेबी, टेस्ट जी ट्यूब आई वी बेबी, अगर डॉक्टरों की रिपोर्ट ये है कि सिर्फ वही एक रास्ता है आपके पास, और आपके शौहर को की ख्वाहिश है और आपकी भी ख्वाहिश है कि हमें औलाद चाहिए और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। जी पहली शर्त तो यह है कि डॉक्टर लोग आपको ये बताएं कि अगर आपने ये रास्ता इख्तियार किया तो आपको औलाद हो जाएगी, आपका मेडिकल रिपोर्ट ये कह रहा है कि आपको औलाद हो सकती है इस रास्ते से। दूसरी जी शर्त यह है कि बहुत सारे लोग इस जमाने में, बेशतर लोग बल्कि जो जो इस मसले में दाखिल होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे औरत है, जो मादा मनविया होता है वो किसी दूसरे मर्द का लिया जाता है, डॉक्टर लोग इसमें जी खयानत करते हैं बहुत सारे लोग, या कभी ऐसा होता है कि जो औरत का मादा है वो किसी और औरत से लिया गया, ये जायज नहीं है। अगर उन मियां बीवी के दरमियान में कोई दूसरा मर्द या कोई दूसरी औरत दाखिल हुई तो ये जायज नहीं है, कतान भी जायज नहीं है। वो मादा उन्हीं दोनों का होना चाहिए, दरमियान में कोई भी मर्द या कोई भी औरत दाखिल नहीं होनी चाहिए। इसकी कई सारी शक्लें बनेंगी, मैं आपको इजमालन बता रहा हूं। जैसे उसकी एक शक्ल ये है कि जैसे मियां बीवी का मादा लिया जाए और फिर ले जाकर के किसी दूसरी औरत के जो रहम है रहम में उसकी परवरिश की जाए, तो इसका मतलब तीसरी दूसरी औरत आ गई दरमियान में। या जी इसी तरह से मान लीजिए बीवी का मादा लिया जाए और किसी अजनबी मर्द का मादा लिया जाए और फिर इसी बीवी के रहम में ला करके उसकी परवरिश की जाए, यहां पर भी दूसरा मर्द आ गया, तो दरमियान जी में किसी भी तरह से कोई इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, चाहे मर्द या औरत, वो मामला जी इन्हीं दोनों की हद तक होना चाहिए, इन्हीं दोनों का मादा होना चाहिए, इसी औरत के रहम में उसकी परवरिश हो। या ऐसा भी होता है कि कुछ दिनों तक उसको ट्यूब में रखा जाता है, बाद में रहम मादर में डाला जाता है, लेकिन दरमियान में कोई तीसरा नहीं आता है, तो अगर इन तरीकों पर किया जाता है तो ये जायज है।
इसके साथ कुछ शर्तें और उलमा ने जिक्र की हैं कि कोशिश ये की जाए कि सबसे पहले किसी मुस्लिम और मुस्लिम लेडी डॉक्टर का इंतखाब किया जाए इस काम के लिए। अगर मुस्लिम लेडी डॉक्टर नहीं मिलती है तो किसी जो है नॉन मुस्लिम लेडी डॉक्टर का, अगर वो भी नहीं मिलता है, मर्दों के पास जाना मजबूरी बन रही है, तो कोई मुस्लिम जेंट्स डॉक्टर हो, अगर वो भी ना मिले बिल्कुल कोई सूरत ना हो, तो फिर आखिर में आप गैर नॉन मुस्लिम डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं बिल्कुल आखिरी दर्जे में। तो इन शर्त के साथ अगर कोई टेस्ट ट्यूब बेबी करवा रहा है तो जायज है, लेकिन ये सारी शर्तें ध्यान में रहें और ये शर्तें बहुत सख्त हैं और इन हर हर शर्त के पीछे कुछ मकासिद हैं शरीयत के और इसकी दलीलें हैं। उन सारी तफसीलात में हम जाएंगे तो ये बहुत लंबा जवाब हो जाएगा, लेकिन मुख्तसर तौर से आपके सवाल का ये जवाब है। जी, जज़ाकअल्लाह खैर।